रात के दस बजे हैं अस्सलाम वालेकुम ये रेडियो पाकिस्तान है शहजियार अहमद से खबरें सुनिए अहम खबरों का खुलासा वजीर अजम ने मुल्क में मौशी असलाहत लाने के लिए एफ बी आर में डिजिटाइजेशन को इंतहाई अहम करार दिया है इकतदी कमेटी ने ताजिकस्तान को चालीस हज़ार मेट्रिक टन चीनी बरामद करने की मंजूरी दे दी है आज मैसूर गजा में इसराइल के दो हमलों में चौदह फलस्तीनी शहीद हो गए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तान में मनद होने वाली आईसीसी सी सी चैम्पियंस ट्राफी दो के लिए इतजाम पर इतमान का इजहार किया है वजी अजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को डिजिटल करना और उसके निजाम को बेहतर बनाना वक्त का तकाजा है ताकि मुल्क में इकतदी असलाहत की जा सकें आज इस्लामाबाद में एक इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने मुतल हुकाम को हिदायत की कि एफ़ बी आर के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए एक जाम हमत अमली तश्कल दी जाए इजलास में एफ बी आर में इधारा जाती सतह पर तैयार करदा तब्दीली के मनसूबे की मंजूरी दी गई जो इकसादी और टेक्नोलॉजी के माहरिन की मशावरत से तैयार किया गया है पृथीआजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान इकसदी तल्लु हर गुजरते दिन के साथ मजबूत हो रहे हैं वो इस्लाम आबाद में सरमाकारी बोर्ड और चीन के री शिनोंग ग्रुप के दरमियान मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत की एक तकरीब में इजहार ख्याल कर रहे थे इस माहे के तहत चीन का रोई ग्रुप सिंध और पंजाब में बैन अवी मैार के टेक्सटाइल पार्क कायम करेगा और चीन से तकरीबन एक सौ बड़ी टेक्सटाइल सनतों को इन पार्क में सरमाकारी की दावत दी जाएगी एकसादी रबदा कमेटी ने चालीस हजार मेट्रिक टन चीनी ताजिकस्तान बरामद करने की मंजूरी दे दी है ई सी सी का अजलास आज वजी खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सदारत में इस्लामाबाद में मनद हुआ जिसमें एक लाख मेट्रिक टन इजाफी चीनी की बरामद की मंजूरी के अलावा कमेटी ने कबायली अजला में आठ खवातन सहूलत मराकज़ की तमीर के लिए पैंतालीस करोड़ छियासठ लाख रुपये की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट की मंजूरी दी इस मौके पर ख़िताब करते हुए वजी खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि छब्बीस माह के बुलंद तरीन ज़र मबादला के साथ करंसी मस्तकम सतह पर है उन्होंने कहा कि आई की बरामदा भी तीस करोड़ माहाना पर मुस्तकम हैं जो कि हमारे बरामदी शोबे के लिए एक अच्छी खबर है सदर आसिफ अली जरदारी और वजर अजम शहबाज शरीफ ने शिमाली और जनूबी वजेरस्तान में इंजाद दहशत गर्दी की कार्रवाइयां करने और ख्वारिज के खात्मे पर सिक्योरिटी फोर्स को खराज तहसीन पेश किया है उन्होंने अलग अलग बयान में मुल्क से दहशत गर्दों के खात्मे के आज़म का अदादा किया सदर और वजीर अदम ने कार्रवाईों के दौरान शहीद होने वाले सिक्योरिटी फोर्सेज के जवानों को खराज अक़ीदत पेश किया उधर सिक्योरिटी फोर्सेज ने दोनों अजला में दो अलग अलग, अलग शदीद झड़पों में बारह खवरिज दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है कुल जवाती हुई कॉन्फ्रेंस ने गैरकानूनी तौर पर भारत के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की ज़रक़्यादत हुकूमत की तरफ से कराए जाने वाले इंतखबा की मजम्मत की है कुल जमाती कॉन्फ्रेंस के तर्जमान एडवोकेट अब्दुल रशीद मिनहस ने एक बयान में इंतबा को ढोंग करार देते हुए कहा कि ये इंतबार खत्े के सियासी मस्कबिल का तयन करने के लिए अको मुतहदा के तस्लीम शुदा इस तस्वाब राय का मतबाद नहीं हो सकते उधर जनीवा में कश्मीरी बशितों ने अको मुतहदा की इंसानी हकूक़ कौंसिल के हेड हेडकोार्टर के सामने भारत के गैरकानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में जारी भारतीय मुजालिम के खिलाफ मुजाहरा किया आज मैसूर कबा में इसराइल के दो हमलों में चौदह फलस्तनी शहीद हो गए हैं गजब में गुशत साल सात अक्टूबर से जारी इसराइल जारहत में शहीद फलस्तियों की तादाद इकतालीस हजार दो सौ बहत्तर हो गई है इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान सरहद पर फायरिंग का तबादला हुआ है ज़रा अबलाग के मुताबिक इसराइल ने जनूबी लबनान के इलाकों पर हमले किए जिसके बाद हिजबुल्ला ने इसराइल पर कम अज़ कम एक सौ चालीस रॉकेट फायर किए दूसरी जानब लबनान में अकवा मुतदा के अमन फौजियों ने जारी कशीदगी फौरी तौर पर कम करने पर जोर दिया है श्रीलंका में सदारती इंतबात कल होंगे सदारती इंतबात में अड़तीस उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं एक करोड़ सत्तर लाख अफराध वोट डालने के अहल हैं और श्रीलंका में दो हज़ार बाईस की मुआशी बदहाली के बाद ये पहला इलेक्शन होगा बैन अवी क्रिकेट काउंसिल के एक वफद ने इस्लामाबाद में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी से मुलाकात की और चैम्पियंस ट्रॉफी दो हज़ार पच्चीस के लिए तैयारियों पर इतमान जाहिर किया मुलाकात में कराची रावलपिंडी और लाहौर के क्रिकेट स्टेडियम में सिक्योरिटी इंजाम पर तफ्ली तबादला ख्याल हुआ महसिन नकवी ने वफ को यकीन दिलाया कि स्टेडियम्स का मैार बुलंद करने का काम चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने से पहले मुकम्मल कर लिया जाएगा इसी के साथ खबरें खत्म हुई मजीद खबरों और तजयों के लिए हमारी वेबसाइट पर पता है रेडियो डॉट जी ओ वी डॉट पी के और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशल पर बरह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुहजा कीजिए